तो ही गाइस स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग सारी क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड मैथ का दोस्तों ब्लूप्रिंट और साथ ही अपन रिड्यूस सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने है दोस्तों कक्षा 12वीं गणित का ब्लूप्रिंट, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर बताया कि आपको किस अध्याय से कौन सा क्या है, कितने नंबर का अंक के कितने क्वेश्चन आने हैं। ओके दोस्तों आप देख सकते हैं संबंध फलन में है, तो उसमें पाँच नंबर का आपके क्वेश्चन आने हैं, पाँच नंबर के आपके क्वेश्चन आने हैं, जिसमें एक नंबर के आपके तीन टू रहने वाले हैं, दो नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप ब्लूप्रिंट की सहायता से क्या है आपको पढ़ाई करना है और आप क्या है बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं ब्लूप्रिंट की सहायता से। ओके दोस्तों तो ब्लूप्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देख सकते हैं इसी प्रकार से। तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों तो चलिए अपन रिड्यूस सिलेबस की बात करते हैं। इस प्रकार से आपका 80 नंबर का पेपर रहने वाला है, 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट के रूप में स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह समझने की पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु कौन सी है और किस प्रकार से। देखिए आपको कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा, तो किस देखिए किस प्रकार से इसमें हटाया गया। जैसे अपन अध्याय एक में संबंध और फलन की बात करें तो उसमें किस प्रकार से हटाया, तो 1.4 फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय और 1.5 द्विघातीय संक्रियाएं हटा दी गई। अब देखिए इसमें क्या है, जहां भी आपका लिखा हो जब किताब में जाएंगे आप, तो 1.4 के बाद जो भी आपकी प्रश्नावली आएगी मतलब आपको उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब 1.4 के बाद पहले आपको फलनों का संयोजन सिखाया जाएगा, किताब में एनसीईआरटी बता रहा हूँ, उसके बाद उसकी प्रश्नावली आएगी। तो मतलब आपको वो प्रश्नावली इसकी फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय वाली फलन वाले आपको प्रश्नावली नहीं पढ़ना, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी प्रकार द्विधारी संक्रियाएं वाली आपकी जो प्रश्नावली है उससे आपको नहीं पढ़ना है, वो आपका क्या है हट चुकी है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है टॉपिक वाइज हटाया गया है, जैसे आपका क्या है फिजिक्स में रहता है टॉपिक वाइज हटाया गया, इसी प्रकार इसमें हटाया गया। तो आई होप समझ में, इसी प्रकार से समय दिया हुआ है। ओके जैसे प्रायिकता है तो प्रायिकता में बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन आपका हटा दिया गया है। ओके मतलब 13.7 के बाद जो भी आपकी क्या प्रश्नावली आएगी उसको आपको नहीं पढ़ना है। ये जो ये आपको पॉइंट वाइज दिए 1.4 ये क्या है टॉपिक के इसमें दिए रहते हैं, इस प्रकार से टॉपिक दिए रहते हैं मैथ की बुक में। ओके तो उसमें पहले आपको टॉपिक समझाया जाए, उसके बाद क्या प्रश्नावली आती है, तो जो भी प्रश्नावली है आपको उसको नहीं पढ़ना है। ओके मतलब ये टॉपिक सीधे आपके हटा दिए गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।